हिटलर ने बुलाया ध्यानचंद को, कहा कि सुनिए ध्यानचंद जी, एक काम कीजिए, आप अभी इंडियन आर्मी इंडिया की ओर से खेलते हैं और आप एक छोटे से पद पर हैं, सूबेदार। सूबेदार नॉन कमीशन ऑफिसर होता है, बहुत छोटा सा पद होता है सूबेदार। तो आप एक छोटे से पद पर खेल रहे हैं सूबेदार, और देखिए आपको, आपका देश ने आपको एक सूबेदार बनाया। एक काम कीजिए, आप जर्मनी में आ जाइए, आप जर्मनी से खेलिए, बहुत बेहतरीन है आप, हम आपको मेजर बना देंगे, हम आपको मेजर बना देंगे, आपका देश आपको तो एक सूबेदार बनाया। तो मेजर, उस समय तो मेजर नहीं थे, तो ध्यानचंद जी ने वहाँ खड़े हो गए और जाने लगे, और जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं जर्मनी के साथ नहीं खेल सकता, मैं जब भी खेलूंगा तो भारत के लिए खेलूंगा। और रही बात हमारे देश ने मेरे लिए क्या किया, तो कान खोल के सुन लो हिटलर, मेरे देश का यह काम नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। इतना महान थे वो।